नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। ठंड का मौसम बढ़ते ही गरीब और असहाय लोगों पर जैसे सितम आ जाता है, ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति बढ़ जाती है कि ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर इस ठंड के मौसम में कंबल आदि का वितरण करें। लेकिन मौजूदा समय में जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी पहल की शुरुआत नहीं की गई है, जिसको देखते हुए जनपद में समाज सेवियों ने ऐसे ही गरीब असहाय परिवारों के लिए एक मुहिम शुरू की, नेकी की दीवार, जो शुरू तो हुआ जिला मुख्यालय से, जहां पर कई दिनों तक गरीबों में गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं अब यह कार्यक्रम गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है, जहां पर आमजन के साथ ही ट्रेनों की यात्रा करने वाले गरीब यात्री, जिन्हें ठंड महसूस हो रही है, वे लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अपने जरूरत के अनुसार मुफ्त में कपड़े ले रहे हैं। आज नेकी की दीवार से कपड़े लेने वाले लोगों से जब इसके बारे में जानने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही नेक पहल बताया और कहा कि इन्हीं के बहाने कुछ हमें भी ठंड में पहनने को मिल जा रहा है। यहाँ पर तो वितरित हो रहा है सब कम्बल उम्बल और कपड़ा, ये सब पुराना कपड़ा, वही उसमें हम भी अपना चांस मारे, हमको भी एक मिल गया। क्या क्या लिए हैं? बस यही एक लिए हैं कोटिया। ठंड में इसका क्या जरूरत पड़ी आपको? ठंड में ही इसका जरूरत पड़ता है, ऐसा फैशन लेबल भी है, ऐसा ही हमको मिल गया, ले लिए। रक्षा चलाते थे? रक्षा यहाँ पर किस लिया था? क्या लिया है यहाँ पर? अगर रक्षा चलाते हैं, लिए कपड़ा। कपड़ा लिए हैं? इसका पैसा भी दिए हैं? नहीं, फ्री में मिला है। हाँ, फ्री मिला है। क्या करेंगे इस कपड़े का? पहनेंगे। नहीं पहनेंगे या बच्चों को भी देंगे? अरे लड़का भी है, अगर हम भी पहनेंगे। इस तरह का जो लोग कार्य कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? बढ़िया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है, वह लोग अपने अपने मोहल्लों में घूमकर संपन्न परिवारों से गरीबों की मदद के नाम पर जहां कपड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं इसकी जानकारी होने पर लोग अपने पुराने और निष्प्रयोज्य कपड़े खुद कार्यक्रम स्थल पर लेकर पहुँच रहे हैं और ठंड में गरीबों के लिए समाज सेवियों के द्वारा बढ़ाए गए कदम में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वही गरीबों को सब कपड़ा देने के लिए, वो लोग पहने मेरे यहाँ बेकार है जी, बस इसीलिए। तो इसकी जानकारी आप लोग कैसे मिल पाई थी? सम्मी भैया से मिलती थी। कितना कपड़ा आपने दिया है? 30 कपड़े। क्या इस तरह के कपड़े देना तो कुछ तरह किस तरह खुशी आप लोग को हो रही है? अंदर से बच्चे गरीब में कांप रहे हैं, उनके तो खुशी ही होगी ना, पहनेंगे तो गर्म होगा। एक सोच है नेकी की दीवार, आज जिसमें हम लोग ने ये प्रयास किया है कि गाजीपुर जनपद के अंदर, नगर के अंदर जो भी लोग कपड़े आदि सामान ठंड में इस्तेमाल होने वाले, जो उनके इस्तेमाल में नहीं आते हैं, वो उनके घरों में फालतू पड़े रहते हैं, हमने एक प्रयास किया कि लोग ये सामान लेकर के बाहर आएं और हम उनको गरीबों में वितरित करें। उसी के प्रयास फलस्वरूप आप देख रहे होंगे कि आज शहर के लोगों से महिलाएं, बच्चे, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, सारे लोग अपने अपने घरों से कपड़े ला रहे हैं और स्टॉल पर रख रहे हैं, और जितने भी जरूरतमंद हैं वो अपने मर्जी से, अपने पसंद का, अपने साइज का सामान यहाँ से लेकर के जा रहे हैं।